ਇਹਦਾ ਗੁੜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਦੇ हाँ जी सारे सत श्री अकाल। उम्मीद करता सारे तुम बहुत वधिया होवोगे। दोस्तों बहुत दिन हो गए कोई ब्लॉग नहीं पा सके ते क्योंकि ब्याहां दे सीजन चलते सो ब्याह हुण खत्म हो गए इस साल दे ते हुण आपां जावांगे अज एक नवां ब्लॉग बनाउण दे लई ते तुहानूं दिखावांगे। ब्लॉग हैगा अपना पंजाबी कल्चर देसी गुड़। गुड़ बनता इस सीजन दे विच तुहानूं पता ही है गन्ने का सीजन चल रहा है तो बेलनियाँ लगिया हुई। तो आप जावे अच्छ बेलनी तो गन्ने का गुड़ भी लियावे उतों तो रस लैके आवेंगे तो तुम बने रहो वीडियो के नाल तो दिखावे गुड़ है जोड़ा वो किमें बनता। लो जी दोस्तों हूँ आप पहुँच चुके हाँ गन्ने के खेत जेडे पिंड उन्होंने वास्ते कोई नवी चीज़ नहीं है पर जेडे साडे भरा शहर बसते विदेशों बसते उन्होंने वास्ते मैं उम्मीद करदा अज का ब्लॉग जो बहुत वधिया देखने वाला होगा। अज के ब्लॉग तो तुहानू आपां दिखावांगे गन्ने तो निकलता होया रस ते रस तो बनता होया गुड़। सो लो जी शुरू करते हैं अज का पंजाबी विरसे का ब्लॉग। लो जी आपां पहुँच चुके हैं जी गन्ने के खेत दे विच। कमांद भी कहा जाता है कोई कमांदी भी कहता है। सो तुसीं पिछे देख सकते हो सारा जिहड़ा खेत दे विच गन्ना लग्या होया। आओ मैं तुहानू दिखाना ये खेत है अपने भरा का ये साढ़े फौजी साहब सिमरी सिमरी ये खेत का मतलब गन्ने का जो बीज है केड़ा बीज है यार 85 कला 85 कहते हैं 85 बीज है। एक होर भी होंगे 71 होंगे है ना कई होंगे अलग अलग तरह के कई बीज है। गुड़ भी ज़्यादा निकलता तो मिठा ज़्यादा होंगे शुगर है जी ज़्यादा ये तो चलते हैं तुम अगे दिखाने भी गन्ना जो किस हिसाब न पहला गन्ना कट के साफ किया जाता तो फिर बेलनी लाई भी इन्होंने ते वो भी तुहानू दिखाने ते रस निकलता तुहानू वो भी दिखावांगे। आ देखो आ गन्ने कट के साफ किए वे बस सीधे इस तो बाद फिर बेलनी जाने क्योंकि जिहड़ा उपर इहदा आग लग्या वा वो आग कट के डंगर पशुआं दे पाणी नूं काम आ जांदा वो डंगर पशुआं नूं काम आ जांदा ते इहदा निकलना रस रस दा रेहड़ियां पर 20-20 रुपए नूं गलास हो गया वा पर अपना पिंडां दे विच तां हुण मैं भी एक कैनी लै के आया वा मैं कहना 5-7 लीटर की कैनी होनी वो वो भर के लैके जानी क्यों पिंडा दे विच इद्दी चलदा यार खुला ताहे ते इसे करके कहंदे पिंडा च रब बसदा खुला जिन्ना मर्जी खाओ पियो। लो जी इधर हो रहा गुड़ तैयार रस कढ़ के कड़ाहे दे विच पा दिता ते ला के झोका अग वाल के थले इनू कहिंदे आ देसी भाषा दे विच भी पत्त फुड़कण लग गई। आ डोरा फेरिया जा रहा विच ते गुड़ तैयार हो रहा ते नाल दी नाल डोरा फेर के इहदा जिहड़ा चैक किया जाता टैंपरेचर डोरा फेर के लगातार इनू हिला के ते फिर डोरे दे नाल ही उपर चक के थोड़ा इहदी धार देखी जाती तो एक गोली बना के देखी जाती जिवें आ तुसीं देख सकते हो इहदी जिहड़ी
लार जी बननी शुरू हो चुकी है। सो तैयारी बिल्कुल हो चुकी है गुड़ बनन की। आ लक्कड़ दा गंड कहा जाता इस चीज़ नूं जिहदे विच गुड़ रखिया जाता। तो हुण देखो तुसीं तुहाडे सामने गुड़ कड़ाहे दे विचों कढ के सीधा ही इस लक्कड़ दे गंड दे विच 85 बीज की एक गल है। एक तो इहदा जिहड़ा गन्ना है काले रंग का हुंदा और गन्ना जिद्दां असीं चूपदे आ तां गन्ना दा जिहड़ा कण है बहुत हुंदा, गुड़ दा कण बहुत हुंदा, जाने के कहने का मतलब शुगर है जिहड़ी ज़्यादा है इहदे विच। ते कलर भी तुसीं देख सकते हो, कलर भी बहुत वधिया आया। दोस्तों आ जिहड़ा गुड़ निकलिया इस गुड़ की बनानी हैगी हुण शक्कर। तो तुसीं देखो भी शक्कर किवें बनदी। आ देखो तुसीं चंडणियां कहा जाता जिन्हां दे नाल हिलाया जा रहा गुड़ नूं, ते लगातार इहनूं हिला हिला के जिहड़ा इहदा एक तां टैंपरेचर डाउन हो जाणा इहदा, ते दूजा लचक है जिहड़ी इहदी उह बिल्कुल खत्म कीती जाणी है। आ देखो जी शक्कर बिल्कुल तैयार हो गई, ते बिल्कुल कोई भी इहदे च कण रह ना जावे इस करके इहनूं चंगी तरह रगड़िया जा रहा है। तो जी थोड़ा जिहा अंकल होरां नूं पुछ के मैं भी ट्राई किया शक्कर नूं बनाने दे विच, तुछ जिहा योगदान पाया अपना। लो जी शक्कर बिल्कुल बन के तैयार है, आ तुसीं देख सकते हो। उम्मीद करता तुसीं सारे ने वीडियो बहुत इंजॉय की होनी, तो मिलते हैं जी फिर किसी अगली वीडियो के। जो वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो वीडियो देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद।